आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अशोक सर जी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप। भैया हाय कर दीजिए एक बार। ये होता है, हम लोग अपना जी जान लगा देते हैं बच्चों को स्टडी में, बच्चों के प्रोग्रेस में। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। और हम आपको और दिखाते हैं कि ये गांव साजी है, ये सिद्धार्थ नगर में पड़ता है। और हमारे यहाँ बच्चों को कंप्यूटर्स भी सिखाए जाते हैं, साक्षात हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। आराम से आते हैं बच्चे, कंप्यूटर क्लास भी रहता है यहाँ। जान लीजिए ये कोचिंग चल रहा है, सोच लीजिए कोचिंग। इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रयास करते हैं, अपना जी जान लगा देते हैं कि बच्चों को प्रोग्रेस में लाया जाए, बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जाए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी गार्जियन हैं, अपने बच्चों को, या कोरोना चल रहा है, हमें मालूम है कोरोना चल रहा है, बट उनको क्या करें, या तो स्टडी करवाएं ऑनलाइन के माध्यम से, या कहीं बगल में है कोचिंग, या वहाँ ज़रूर भेजें। आपसे ये सभी ने निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। और एक बात याद रखें कि पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। नहीं तो कहा गया है कि जिस बच्चे को एक बार टॉफ़ी नहीं दी गई ना, तो सिर्फ एक घंटे के लिए रोएगा बस। बट अगर जिस लड़के को संस्कार नहीं दिया गया, वो ज़िंदगी भर रोएगा। और उसके द्वारा किए गए काम के द्वारा ज़िंदगी भर आप भी पछताएंगे और लोग भी पछताएंगे जो उसके इर्द गिर्द रहेंगे। इसीलिए गार्जियनों से सभी ने निवेदन है कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। और ख़ास तौर पर गाँव वाले पिताजी और दादाओं से हमें निवेदन है कि उनके पढ़ाई लिखाई का पैसा, उनके शादी विवाह का पैसा उनके पढ़ाई में लगाएं पहले, उनके बिजनेस में, उनके प्रोग्रेस में। वो जब अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगा तो आराम से आपको वो सुख सुविधा प्रदान कर देगा जो आप चाहते हैं। आप लाठी बनना कहते हैं ना कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तो वो खुद ब खुद लाठी बनने के लिए तैयार। आपने खुद उसके लिए कुछ किया ही नहीं तो बेचारा क्या कर पाएगा, जब खुद अपने लाठी लेकर चलने के सहारे रहेगा, उसके पास खुद खाने पीने के कपड़े के पैसे नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसी दशाएँ हो गई, अगर हमारे बाबा अपने पापा के हमारे पापा के साथ या दादा साथ किए होते तो आज हम लोग भी ऑडी में घूमते। तो मतलब कि अगर ये शेड्यूल अगर सही कर लिया जाए, तो एक बार बंदा अगर कोई शिक्षित हो जाता है घर में, तो जान लीजिए पूरा पुश्त उसका शिक्षित और गवर्नमेंटेड नौकरी या बिजनेस वाला ही रहेगा। वो गरीब वरीब नहीं होता है, बस एक बार प्रयास करना रहता है। उसमें टाइम तो लगता है मेरे दोस्त, बगैर पे सोना चांदी हो चानी चानी हो जाता है। इसीलिए हार्डवर्क नहीं छोड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें एक बार। और एक बार ये कहानी भी वो पेपर में निकला भी था कि एक ही पिता के चार बेटियां गवर्नमेंटेड टीचर हुई हैं, जल्द ही हुई हैं, पेपर में निकला था। तो सोचिए अब उनका भविष्य, वो आराम से जहां जाएंगे उनके लड़के बच्चे वो पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया आ रहा, क्या चाहिए अब। तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस मेरे दोस्त। इस वीडियो को यहीं तक सिमट कर रह जाता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, थॉट्स फैलने चाहिए थोड़ा, तब लोगों तक ये एहसास होगा कि हाँ जो हम बता रहे हैं वास्तव में ये रियलिटी है या गलत है, सच्चाई है। इस सच्चाई को थोड़ा और आगे तक जाना ज़रूरी है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सर वाहिद जाफरी, आई एम फ्राम यूपी सिद्धार्थनगर। और बिले शाह जी, जय हिंद जय हिंदी। हेल्प एंड सपोर्ट एंड मोटिवेट, लेट्स मोटिवेट ऑफ एवरीबडी। थैंक यू।